देख रहे था खबरदार, सीएए को गैर बीजेपी शासित राज्य के अपने यहाँ लागू होने से रोक सकते हैं। नागरिकता संशोधन कानून लागू करने को लेकर कुछ गैर बीजेपी शासित राज्यों की ओर से विरोध किया जा रहा है। इनका कहना है कि ये अपने राज्य में सीएए लागू नहीं करने देंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, केरल के सीएम पिनराई विजयन के बाद अब तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने भी ऐसी प्रतिक्रिया दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि नागरिकता केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय है, ऐसे में राज्य सरकारों के विरोध का कोई असर नहीं होगा। गृह मंत्रालय ने सीए नियमों में नागरिकता के आवेदन की प्रतिक्रियाओं को संभालने की जिम्मेदारी डाक विभाग और जनगणना से जुड़े अधिकारियों को सौंपने का फैसला किया है। ये विभाग केंद्र सरकार के तहत आते हैं। नागरिकता पर फैसला किसका? आवेदकों के आवेदन पर अंतिम फैसला एम्पावर्ड कमेटी को लेना है। राज्य में इस कमेटी का एक निदेशक होगा। इस कमेटी में इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी, पोस्ट मास्टर जनरल, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के अधिकारी, राज्य के गृह विभाग से एक प्रतिनिधि और डिविजनल रेलवे मैनेजर होंगे। जिला स्तर की कमेटी का एक काम होगा कि वो आवेदनों को परखे। इस कमेटी के प्रमुख सुपरिटेंडेंट होंगे। कमेटी में नायब तहसीलदार के रैंक के समकक्ष एक अधिकारी होगा। ये अधिकारी राज्य सरकार की तरफ से आमंत्रित सदस्य के तौर पर कमेटी में शामिल होंगे। द खबरदार की रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकारियों की माने तो मंगलवार को कई लोगों ने नागरिकता वाले ऑनलाइन पोर्टल में अप्लाई किया है। इस वेबसाइट पर रजिस्टर करने की फीस ₹50 होगी। इस बार सारे आवेदन पूरी तरह से भरे जाएं, तभी संख्या का पता चल पाएगा। आवेदकों को पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के सरकारी विभागों की ओर से जारी हुए दस्तावेजों को जमा करना होगा। इसके अलावा आवेदकों को जिला स्तर की कमेटी के सामने जाकर पेश भी होना होगा। इसके बाद आवेदक को ईमेल या एसएमएस के जरिए जिला स्तर कमेटी यानी डीएलसी के सामने सारे ओरिजिनल दस्तावेज लेकर वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। अगर सारे दस्तावेज वही सही पाए गए तो अधिकारी एक तरह का शपथ पत्र आवेदक को जारी करेगा और जरूरी कागजातों की डिजिटल कॉपी एम्पावर्ड कमेटी के पास अंतिम फैसले के लिए भेज दी जाएगी। 11 मार्च को मोदी सरकार ने सीए संबंधी नियमों की अधिसूचना जारी की थी। ये कानून संसद में 4 साल पहले पास हुआ था। इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हिंदुओं, सिख, बुद्ध, पारसी, ईसाई और जैन समुदाय को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। कानून में जिन अधिकारियों को नागरिकता देने वाली कमेटी में जगह दी गई है वे सब केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले विभागों के अधिकारी हैं। कमेटी को इस तरह से बनाया गया है कि बिना राज्य सरकार के नामित सदस्य के भी नागरिकता देने या नहीं देने पर फैसला किया जा सकता है। जिन अधिकारियों को कमेटी में जगह देने की बात कही गई है वो सब केंद्र सरकार के ही अधिकारी होंगे। एम्पावर कमेटी में इंटेलिजेंस ब्यूरो, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी FIRO। भारतीय मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं, मोदी सरकार का दावा। एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि सीएए से भारतीय मुसलमानों को नागरिकता पर कोई असर नहीं होगा और उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सीए को मंजूरी मिलने के बाद भारत में काफी विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं। केंद्र सरकार ने इस पर कहा कि कानून के तहत किसी भारतीय मुसलमान को नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज नहीं दिखाने होंगे। गृह मंत्रालय के जारी बयान में कहा गया है कि सीए में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे भारत में उन 18 करोड़ मुसलमानों को नागरिकता प्रभावित हो जिनको हिंदुओं जितने ही अधिकार हासिल हैं। बयान के मुताबिक 3 मुसलमान देशों में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की वजह से दुनिया भर में इस्लाम का नाम बुरी तरह से खराब हुआ है। हालांकि इस्लाम एक शांतिपूर्ण धर्म है जो कभी भी धार्मिक आधार पर कोई उत्पीड़न, नफरत या हिंसा का प्रचार नहीं करता। नागरिकता लेने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे? सीए में नागरिकता दिए जाने के लिए जरूरी सालों की अवधि को 11 से घटाकर 5 कर दिया गया है। नागरिकता दिए जाने के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान पासपोर्ट और भारत की ओर से जारी रिहायशी परमिट की आवश्यकता को बदल दिया गया है। इसके बजाय जन्म या शैक्षणिक संस्थानों के सर्टिफिकेट, लाइसेंस सर्टिफिकेट, मकान होने या किराएदार होने के दस्तावेज पर्याप्त होंगे। ऐसे किसी दस्तावेज को सबूत माना जाएगा। FIRO यानी फॉरनर रजिस्ट्रेशन ऑफिस की ओर से जारी रिहायशी परमिट, जनगणना करने वालों की ओर से जारी पर्ची, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, राशन कार्ड, भारत सरकार या अदालत की ओर से जारी कोई पत्र, भारत का जन्म प्रमाण पत्र, जमीन या किराएदार से जुड़े दस्तावेज, रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट, पैन कार्ड, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट, केंद्र, राज्य बैंक या PUAC की ओर से जारी दस्तावेज, रेवेन्यू ऑफिसर की ओर से जारी कागज, किसी ग्रामीण या शहरी निकाय के चुने सदस्य की ओर से जारी दस्तावेज, पोस्ट ऑफिस अकाउंट, इंश्योरेंस पॉलिसी, बिजली पानी बिल, EPF डॉक्यूमेंट, स्कूल सर्टिफिकेट, एकेडमिक सर्टिफिकेट, म्यूनसिपैलिटी व्यापार लाइसेंस। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं,
एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन, अब नो टेंशन। शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख इस बात की आज ही संपर्क करें 8821000717।